हेलो फिनानिक व्यूअर्स, तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे सेल्स के बारे में जहां हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम के साथ बढ़िया शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल सकता है। तो स्टॉक्स के बारे में बताने से पहले अगर मैं बता दूं कि हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो आपको पता है हमारे एक्यूरेसी किस लेवल का है और किस तरीके का रिसर्च हमने पहले प्रोवाइड किए हैं। और अगर नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर पसंद आता है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके साथ साथ लाइक भी कर देना वीडियोज़ को। और हाँ गाइज, तो आज हम जिस स्टॉक्स में बात करने वाले हैं पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे, उसके बाद हम उसके चार्ट भी देखेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से वो भी जान लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज, ये कंपनी है वाटर्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड और ये एक एडटेक कंपनी है और ये बिजनेसेस को बढ़ाने में मदद करते हैं अदर्स कंपनीज की। और ये कंपनी स्विफ्टली एंड स्मार्टली डिजिटल एक्सपेंडेशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। बेसिकली इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनको ये फुल ऑन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर एड कैंपेन चलाने तक का फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। और ये भी तय करता है कि जो ये काम कर रहे हो उनका जो एड्स होता है वो सेंसिबली डिरेक्टेड हो राइट पर्सन पे और ये डिलीवर्ड होना चाहिए राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं अपने प्रीवियस कस्टमर्स के लिए, जिसके वजह से इनका बिजनेसेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अगर इसकी बिजनेसेस के बारे में बात करें तो इसका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है USA से और वो है 62% का, और बाकी का रेवेन्यू आता है यूरोप से 23% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 15% का। अगर बताएं कंपनीज का इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है तो वो है 9.24% और इंटरनेशनली रेवेन्यू जनरेट होता है 90.76%। मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस ये करता है आउटसाइड इंडिया से। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हैं टाटा हाउसिंग, HDFC, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और भी बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जैसे जी कलर्स जैसे कंपनीज। तो इनके बिजनेस और आगे बढ़ने के लिए जो क्लाइंट बेस है उससे आप पता चल जाए कि किस तरीके का कंपनी का बेनिफिशियल्स हो सकता है इन फ्यूचर। अगर कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हो एज़ पर मार्केट कैप एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 175 करोड़ का। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चला गया 146 का, जबकि इसका हाई था 322 और लो था 79.6 रुपीज़। मतलब ये अपने हाई से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि इस कंपनी का वैल्यूएशंस बहुत एट्रैक्टिव बनाता है। अगर पी की बात करें तो स्टॉक पी है 21.9 की, जबकि इसका इंडस्ट्री पी है 27 का। मतलब ये इंडस्ट्री से भी लो ट्रेड कर रहा है। ROCE एंड ROE की बात करें तो 16.1% एंड 15.2%, जो कि दर्शाता है एक एवरेज परफॉर्मेंस को। अगर कंपनी के EPS की बात करें तो 6.65 है, उसके प्राइस के हिसाब से बहुत सही टाइप का है। लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7.79% का है, जबकि उसका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में और डेट भी 13.1 करोड़ है। मतलब इसका डेट टू इक्विटी निकल के आता है 0.21, जो कि सही है। लेकिन अगर यहाँ पर कॉन्स के ऊपर नज़र डालें तो डेटर डेज इंक्रीज्ड हुए हैं, जो कि 112.56 डेज से 149 डेज हो गए हैं, एक नेगेटिव पॉइंट। और प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 16.70% तक डिक्रीज़ किया है लास्ट 3 सालों में। हालांकि लास्ट 1-2 सालों से प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक्स नहीं बेचा है, जो कि सही है। और प्रोज में आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेक्टेड क्वार्टर का रिजल्ट है वो अच्छा उम्मीद हो रहा है, उम्मीद किया है एनालिसिस ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जिसके रीजंस के बेसिस पे स्टॉक पे एक बहुत बड़ा छलांग देखने को मिला है वो आगे चल के हमें अपने आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमने ये चीज़ देख लिया कि फंडामेंटल कंपनी का कैसा लग रहा है। शेयर के बारे में बताया तो एक साल में इसने रिटर्न दिए -34.59%, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर -34.59% गाइस। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन एक महीने की बात करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 75.69% तक का रिटर्न एक महीने में जनरेट किया है। और जबकि लास्ट 5 दिनों की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 40.45% का रिटर्न उसने ओनली 5 डेज पे जनरेट किए हैं। और लास्ट सेशन में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो 15.32% भी एक दिन में दिया है गाइस इस स्टॉक्स ने। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ लोगों को अच्छा प्रॉफिट दिलाया है लास्ट कुछ सेशंस में। लेकिन क्या आगे ये दिलाएगा या नहीं, तो चलो इसके चार्ट पे थोड़ा सा नज़र देखते हैं।
यहाँ पर आप मंथली चार्ज देख सकते हो वाल्टर्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का, तो 80-83 रुपीज़ के आसपास का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जितना गिरना था वहाँ पर गिर के स्टॉक्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट किया और मंथली डिमांड जोन जब हिट किया तो एक सीधा मोमेंटम के साथ भागने लगा स्टॉक्स, और एक महीने के अंदर 70% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने दिखा दिया है। और आने वाले दिनों में 40-50 पॉइंट्स आपको इजीली मिल सकते हैं इस स्टॉक से, लेकिन स्टॉक मार्केट है तो कुछ भी गारंटेड नहीं होता है गाइस। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। ये था वाटर्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड और इसका थोड़ा सा रिसर्च, डिटेल रिसर्च की एक ट्रेड लेने के लिए जो जो हमें ध्यान देना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रिसर्च किए कि स्विंग ट्रेडिंग्स पे हमें कितना पॉइंट्स के लिए जाना चाहिए। तो 10, 20, 30 और 40 पॉइंट्स अलग 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 बेस पे आप बना सकते हो। 20-40 पॉइंट्स इजीली आपको मिल सकता है, इसका टारगेट लेके चलोगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट्स आपको मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टर्म में। और अगर आप चाहते हो कि इस पे आपको मंथली डिमांड जोन लगा है तो एक अच्छा रिटर्न की उम्मीद लगा कर आप होल्ड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से जाना चाहते हो एक कंपनी के ऊपर, ये डिसीजंस आप खुद ही लीजिए। वैसे मुझे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा लगा, फंडामेंटल ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है, और इसके साथ साथ कंपनी का जिस तरीके का टेक्निकल देखा कि चार्ट पैटर्न में जो शो कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, तो एक बढ़िया मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है, तो 20-30 पॉइंट्स के लिए हम जा सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आप क्या करने वाले हो, इसको वॉच करोगे या फिर इस पर ट्रेड लोगे वो कमेंट पे हमें बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से एक और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।